तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, वो एन किंग म्यूजिक वाला जिसने बंटे के डिल सॉन्ग पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था, उसकी अकड़ अभी तक खत्म नहीं हो रही है। उसने आज एक स्टोरी रखी है जिसमें एक कमेंट का रिप्लाई है जिसमें लिखा है कि भाई एमिवे से 1-2 करोड़ चार्ज करना, बहुत उछल रहा है, आज खुद पकड़ा गया बीट चोर एमिवे। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि उल्टा चोर कतवाल को डांटे और कुछ नहीं। अच्छा उछल तो तू रहा है भाई, तू बीट चोर नहीं है पर बीट तेरी भी नहीं है, तू फोकट में इतना उछल रहा है बे। ये फेम के लिए थोड़े दिन ऐसी हरकतें जरूर करेगा दोस्तों, पर बंटाई और बंटाई की टीम को इस पे लीगल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लेजा के पास अगर बीट का लाइसेंस है, लेजा ने ही प्रोड्यूस किया है, तो फिर वो लोग लीगल एक्शन ले सकते है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे रुकने वाले नहीं है, तो इनको जवाब मिलना चाहिए, तभी पब्लिक को पता चलेगा ना कि कौन सही है और कौन गलत। तो एक तरफ ये प्रॉब्लम चल रहा है और दूसरी तरफ वो रोहन सैयप्पा, एक तरफ एमवीए के साथ फ्रॉड हो रहा है और इस सैयप्पा को इस बात पे भी मजे लेने हैं। एमवीए ने जो ट्वीट किया था कि रिएक्शन चैनल वालों को कॉपीराइट क्लेम आएगा, उस पे रीट्वीट करते हुए लिखता है कि फर्स्ट टाइम बे सैयप्पा उसका चैनल है, उसके सॉन्ग है, उसको कॉपीराइट क्लेम देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, उसकी मर्जी। बीच में हटा दिया था ना कॉपीराइट क्लेम, सभी कमा रहे थे ना, तब किस बिल में घुस गया था बे, तब क्यों नहीं बोला बे कि एमवीए ने अच्छा किया सब रिएक्शन चैनल वालों के लिए। जब बंटे के सॉन्ग पे कॉपीराइट क्लेम नहीं आता तो लोगों को लगता नहीं कि बंटे की बीट है, पर कोई भी एक स्ट्राइक मार के जाएगा तो फिर बंटा है तो सेफ खेलेगा ना, जो बंटा के सॉन्ग पे रिएक्शन करेगा उसकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आएगा, उससे सबको पता चलेगा कि बीट का लाइसेंस किसके नाम पे है। तो चलो दोस्तों, ये लोग तो ऐसे ही है, ये नहीं सुधरने वाले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।